अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। एक ड्रग पेडलर और सप्लायर को पकड़ा था, जिसका नाम है गोस्वामी आशीष गिर। उनको एक्चुअली कल पकड़े थे, आज प्रोड्यूस कर रहे हैं जेल में, जुडिशियल रिमांड के लिए लेके जा रहे थे। ये गांजा और एमडीएमए मिथिलीन डाइऑक्सी मिथाइल डायएम्फेटामिन एमडीएमए एक सिंथेटिक ड्रग है ये, और गांजा ये लोगों को बेचते रहते। ये एक्चुअली मंगलहाट के रहने वाले, उसके बाद ये उपगुड़ा पे शिफ्ट हुआ, क्लॉथ बिजनेस पे भी काम करते नाम के लिए। इसके पहले भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व थे, 49/2020 ये एनडीपीएस केस है मंगलहाट पीएस में, उसके बाद 169/2021 जो चारमार पीएस पे भी एनडीपीएस एक्ट पे जेल गया, उसके बाद इसके ऊपर पीडी एक्ट भी डाला, वो एक साल जेल पे रह के बाहर आए। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि जब जेल पे था, ये उड़ीसा के रहने वाला एक मिलान देवनाथ से मुलाकात हुई और उससे ये गांजा मंगाते। मिलान देवनाथ उड़ीसा से मलकानगिरी से गांजा बेचता, यहाँ पे मंगाते थे। और एमडीएमए के लिए इसके सैयद प्लस बाबे मुंबई पर रहने वाला है, जो एमडीएमए इनको सप्लाई करते हैं। ये गांजा को 8,000 पर किलो के हिसाब से खरीदते हैं और यहाँ पे 15,000 पे बेचते। वैसे एमडीएमए के वही ये 1,500 पे खरीदते और 4,000 पर ग्राम के हिसाब से बेचते। हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि इन्फॉर्मेशन पे जो एसीपी चित्रना का, चंद्रशेखर इंस्पेक्टर चित्रना का, श्रीनिवास रेड्डी, एसआई त्रिमूर्तुलु और हेड कांस्टेबल कमरैया, वेंकटेश, मेहदी, ये सभी लोग इनको पकड़ने में बहुत एफर्ट पुट इन किया। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के साथ कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास 12:30 फूड एजेंडा पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहे, तो व्हीकल चेकिंग किया था वहां पे फूड एजेंडा में, तो उस व्हीकल में 6.225 kg ऑफ गांजा मिला और तकरीबन 18.75 grams ऑफ एमडीएमए मिला। ये पूरा मिलके उसका तकरीबन उसका कीमत है 3,81,000, 3,81,000 का कीमत है ड्रग्स का, जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उसने इनसे रिकवरी किया। साथ साथ उनके पास कुछ नया इक्विपमेंट पहली बार जो देखा हम लोग, स्नॉटिंग किट, जिससे एमडीएमए ड्रग कंज्यूम करते हैं उसका भी किट। एक छोटा सा आपको लग रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये किट है। इसके अंदर उसने अपना सामान पूरा रखा है, सारी सामान रखा है। तो ये लोग अलग तरीके से छुपाने के लिए कि इसीलिए कैरियर करने के लिए सारी बनाया, ये भी हम लोग रिकवरी किया उससे। एक चेतना का पीएस में क्राइम नंबर 142 पे रजिस्टर केस रजिस्टर किया, 8C रेड विद 22C और 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट पे केस रजिस्टर किया इनका अगेंस्ट और इनके ऊपर एक्शन ले रहे। मीडिया मित्रों के द्वारा हम सभी सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आजकल ये लोगों अलग अलग तरीके से ड्रग्स कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कभी भी इंफॉर्मेशन आते तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पासान कर दीजिए। जो कंज्यूमर से जो बच्चे हैं, उनका नशे पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन लोग को डी एडिक्शन कैंप हम भेजेंगे ताकि उन लोग सही होके फिर नॉर्मल सोसाइटी पे आ जाएंगे। साथ साथ जो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है तेलंगाना गवर्नमेंट उसमें काफी सी जैसे विल गो टिल द मैन्युफैक्चरर्स एंड उन लोग को भी पकड़ के आने की कोशिश चल रही है। थैंक यू, जय हिंद। हाँ क्या क्या, हाँ ये छोटा छोटा, ये एमडीएमए जो ड्रग है ग्रामों पे बेचते हैं, बहुत कम होते हैं। गांजा को भी पैकेट बना के बेचते हैं और उनका कंज्यूमर्स का भी लिस्ट हम बना रहे हैं। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमजान उल मुबारक के इस प्यारे महीने में जैसे कि आप सबको पता है कि शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ किस्म की हरीज दस्तियाब रहती है।
इसी तरह आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां पर साबित शरबती गेहूं हम अक्साम के मसाले जात से बीफ की हलीम तैयार की गई है। ये हलीम आपको खाजीपुरा रोड आशा टाकिस आम वाली मस्जिद के करीब मिलेगी, जो कि सिजलर कैटरर्स जनाब नईमुद्दीन साहब की पेशकश है। रेशेदार बिल्कुल लजीज तमाम मुख्तलिफ लवाजमात के साथ तैयार की गई है, जिसको चार चांद लगाने के लिए ऊपर से हड्डियों का सूप, बरिस्ता, कोतमीर पुदी, बिलखुसूस असली घी का जायका मिलेगा। तो नाजरीन आप तमाम दलीम से इस्तेफादा उठाइए।